शहर में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा। आज दिन हो रही है गुना में घटनाएं। आज ऐसा एक मामला हड्डी मिल में देखने को मिला, जहां युवक की निर्मम हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि शहर कोतवाली पुलिस को सूचना मिली थी कि हड्डी मिल पर एक युवक की लाश पड़ी है, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची और लाश बरामद की। लाश की शिनाख्त रामदयाल पाल के रूप में हुई है। वहीं पुलिस द्वारा बारीकी से छानबीन की जा रही है। प्रथम दृष्टया हत्या का मामला दर्ज किया गया है। इस पे होगा अंदर, ये तो चार पाई है। पेंट कुत्ता देख लेना यार, कुत्ता भाग गया। सर वो पेंट देखो, उसके कौन से रखा है, पेंट देख लेना चार पाई उस पर। तो मैंने बताया ना आपको, 8 बजे फोन लगाया था और 9 बजे दोबारा लगाया ना, फोन बंद है। 8 बजे लगाया, 5 बजे बोला इतना घर आया, 9 बजे लगाया बंद। फिर मैंने रिश्तेदारी में भी लगाए, 2-4 जाऊँगी कम गए, मुझे माँ भी नहीं गए। फिर कभी नहीं पता तो करो के पापा फोन बंद ही हुआ, दूसरे के फोन से चाचा फोन लगा, चाचा से कही के मैं जाऊँ बाबा का रवि कह रहे मुझे जा रहा, चाचा ने मुझे फोन लगा के रवि पापा कही नहीं बाबा का तो तू ले जा बाबा। अब मिल के मैंने देखो नहीं है बाबा कहाँ है, फोन से बाबा कहने तुम वो तुम्हें कम कर नंबर दे दो तो बोल लगो यहाँ का भी नहीं इंदौर जान के। फिर मैं फ़ोन करवाया वो किसी से कुछ दुश्मनी थी क्या था? रात में थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत हड्डी मिल जो मोहल्ला है, उसमें मुकेश जोशी नाम का एक व्यक्ति है, जिसके घर में रात में दो लोग नशे कर रहे थे। उस समय झगड़ा हुआ आपस में और जो भी कारण रहा हो उसका इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, और उस समय मर्डर हुआ है उसके घर में। ये कैसे मर्डर हुआ, किन कारणों से हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, ये सारा अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उसके बाद ही इसका खुलासा। सर जिसका मर्डर हुआ वो अज्ञात है कि ज्ञात नहीं? नहीं वो अज्ञात है, वो पूरे बालाजी का रहने वाला था, रामदयाल पाल था, उसका भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। कोई पुरानी रहेगी? वो अभी पूरा उससे पूछताछ करेंगे कैसे मर्डर हुआ, किन कारणों से, किसने किया है, ये भी अभी। किस चीज़ से मारा गया है सर उसको? उसको धारदार हथियार से कई बार किए हैं उसके चेहरे और गर्दन पे, उससे उसकी डेथ हुई है। प्रथम दृष्टया पोस्टमार्टम के लिए भेजा है बॉडी को, उसके आधार पर ठीक।